आज है 3 तारीख, 10 तारीख तक का टारगेट एक बार टाटा पावर का पता कर लेते हैं, क्योंकि ये शेयर थोड़ा हिलना डुलना लग रहा है और आज इसमें थोड़ा वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। अगर आप 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट देखेंगे सुमित, तो आपको एक चीज़ दिखेगी होगी, आपको नोटिस भी होगी कि आज शुरुआत में ही कोई इसको लेके बैठा है कि इसको आज खरीदना है। एक बार आप जरा इस शेयर को चेक कीजिए और मेरे को सिर्फ ये बताइए कि ये शेयर कहाँ तक जाएगा। मेरी बैंडविड्थ सिर्फ हफ्ते भर है, मैं एक हफ्ते के लिए रखूंगा इसका, जो मोमेंटम आ रहा है सिर्फ उसको प्ले करूंगा, बाहर निकल जाऊंगा। ₹216, ₹217 ये दोनों लेवल जो है ये मेरे चार्ट पे एक रेजिस्टेंस की तरह ड्रॉन है। और अगर एक ट्रेंड लाइन काफी बड़े टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करेंगे, दैट इज अराउंड फ्रॉम द अप्रैल 2022, तो आज का अगर क्लोजिंग मुझे पॉजिटिव आ रहा है तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का भी कैंडिडेट बन सकता है। सो वेट फॉर द क्लोजिंग। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, इस बीच हम देख रहे हैं कि जो स्टॉक्स बढ़े हैं पीछे के कुछ मिनटों में, जिनमें तेजी बढ़ी है, उसमें ONGC जैसे काउंटर्स में इतने मूव पड़ी है, कोल इंडिया, NTPC, इन स्टॉक्स में मूव पड़ी है, और ऑफकोर्स अडानी एंटरप्राइज तो इस वक्त 10% की बढ़त के साथ, 10% की बढ़त के साथ टॉप गेनर भी है। कुछ और स्टॉक्स को भी डिस्कस करते हैं, लेकिन कुणाल बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय दिया और ये सारी रिकमेंडेशन हमारे साथ शेयर की। चलिए, अब हमारे साथ कुश और सुमित मूलचंदानी बने हुए हैं। कुछ और स्टॉक्स देते हैं, कोल इंडिया और NTPC, दोनों में से कोई एक अगर स्टॉक पिक करना हो कुछ, तो क्या पूरी सीरीज के लिए इन दोनों में से कोई स्टॉक पसंद आता है आपको? इनका स्ट्रक्चर मोर और लेस सेम है, बट अगर मुझे देखना हो तो स्लाइट एज मैं दूंगा यहाँ पे NTPC को। स्टॉक अपने की एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अपने रेजिस्टेंस जोन के पास है, व्हिच इज राइट अपर, राइट एट 173-174। यहाँ से अगर हमें थोड़ा सा भी पुश मिलता है, ब्रेकआउट होता है स्टॉक, तो ये 180 के जो लेवल्स हैं इनको इमीडिएटली टेस्ट कर सकता है। सो मेरे हिसाब से NTPC पे आप नजर बना के रख सकते हैं। बट एज आई सेड, कोल इंडिया इज नॉट टू बैड आइदर, बट जस्ट स्लाइट एज फॉर NTPC। यहाँ पे फ्रेश एंट्री के लिए जो मेरे लिए स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो 170 का है। इंडिया भी चल रहा है, पावर ग्रिड भी चल रहा है, PFC भी चल रहा है और कोल इंडिया भी चल रहा है। ठीक है, इन सब पे तो नज़र होगी। आदित्य बिरला कैपिटल ही हमें 2 दिन से कुणाल भी रेकमेंड कर रहे हैं, उसमें भी एक मूव देखने को मिल रही है, और आज पूनावाला फिनकॉर्प में भी 1.5% की मूव दिख रही है, तो फाइनेंस काउंटर्स भी वापस आए हैं। पूनावाला फिनकॉर्प पे बेट करेंगे आप सुमित इस लेवल्स पर, सस्टेन नहीं करते इसके मूव्स? देखिए, सस्टेन वाली तो बात बिल्कुल आपकी बराबर है, 310 से 320 बार बार ये रेजिस्टेंस जोन से ही इसमें ड्रॉडाउन आ जाता है। तो कहीं ना कहीं अभी देखिए ये 3 दिन से जो इसका पिछला बेस है, दैट इज अराउंड 280-285, ये लेवल पे ही सस्टेन करने का ट्राई कर रहा है। तो मैं अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा, अबोव द लेवल्स ऑफ 300 ओनली आई विल एंटर फ्रेशली, टिल द टाइम ऑन होल्ड। खैर, इस बीच हम लगा